सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल, डीएवी नेशनल मेडलिस्ट एंड डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं स्पीड वर्कआउट 1600 मीटर के लिए, जो इंडियन आर्मी के रैली की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसकी वैकेंसी 15 से 20 दिन या 25 दिन बचे हुए हैं, वो इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। स्पीड वर्कआउट क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए? जब आपकी कंपटीशन, मतलब जब आपकी रैली 15 से 20 दिन बचे, तो आपको स्पीड वर्कआउट स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये करने से क्या होती है, हमारी स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, ताकि जो हम 1600 मीटर की कंपटीशन खेलने जाएं तो वहाँ पे क्या हो, हमारी टाइमिंग अच्छी आए, ठीक है। जिस बंदे की टाइमिंग नहीं टूट रही है, ऑफ सीजन और मिड सीजन में क्या होता है कि हमारी टाइमिंग रुकी हुई रहती है, हमारा इंडोरेंस बिल्डअप होता है। लेकिन जब आप स्पीड वर्कआउट कीजिएगा, क्या होगा, सिर्फ आपकी स्पीड खुलेगी और टाइमिंग टूट जाएगी, 100% टूटेगी। जिसकी 5 आ रही है वो 4:40, जिसका 4:50 आ रहा है वो आराम से 4:30 तक खेल जाएगा, जो 6 भी खेल रहे हैं वो आराम से 5:30 और 5 के आसपास खेल जाएंगे। इसीलिए आपको ये वर्कआउट रूटीन फॉलो करना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं मंडे, मतलब सोमवार। सोमवार को मॉर्निंग, मतलब सुबह, हमें क्या करना है, जब आप ग्राउंड आते हैं तो आपको 30 मिनट कंटिन्यू रनिंग करनी है। जो बंदे ग्राउंड पे रनिंग कर रहे हैं वो ग्राउंड पे कर सकते हैं, और जो बंदे रोड पे रनिंग कर रहे हैं वो रोड पे भी कर सकते हैं। इसमें आपको किलोमीटर नहीं देखना है, घड़ी देखना है और 30 मिनट कंटिन्यू करना है। हर एक किलोमीटर आप 5 से 6 मिनट में के आसपास कवर कीजिए, ठीक है, 5 से 6 मिनट के बाद। उसके बाद आने के बाद थोड़े देर, मतलब एक्सरसाइज वगैरह किए, जंपिंग एक्सरसाइज, डायनेमिक एक्सरसाइज, और थोड़े रेस्ट लेने के, 5-6 मिनट रेस्ट लेने के बाद आपको 1500 मीटर की टाइमिंग नोट करनी है मेरे भाई, ठीक है। 1500 मीटर का टाइमिंग नोट करना है, 90 से 100% एफर्ट के साथ भागना है, जैसे कि आप कोई कंपटीशन भाग रहे हैं। अगर ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सिंगल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने इंडिविजुअल टाइमिंग ले सकते हैं। और ये टाइमिंग आपका जितना आता है उसे कोई कॉपी में नोट करें, ठीक है, और इसे याद रखें मेरी टाइमिंग कितना आई है, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगी। उसके बाद हम लोग आते हैं शाम को, मतलब इवनिंग। सोमवार को इवनिंग में क्या करना है, 10 मिनट आपको वार्म अप करनी है। जब आप ग्राउंड आते हैं तो आपको 10 मिनट वार्म अप करना है। उसके बाद आपकी कोर की एक्सरसाइज करनी है, जो मेरे यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देखें और कोर की एक्सरसाइज करें। जितने मैं कोर की एक्सरसाइज बताएं वो करनी है आपको, ठीक है। ट्यूसडे को सुबह हमें क्या करना है, इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है, कोई भी अगर हम रेपिटेशन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बीच में हम कम रेस्ट लेते हैं, 15 सेकंड 20 सेकंड का रेस्ट लेते हैं और वर्कआउट को कंटिन्यू रखते हैं। तो इंटरवल ट्रेनिंग में क्या करना है, 200 मीटर की 5 रेपिटेशन लगानी है। वैसे तो लगानी है आप लोगों को 200 मीटर की 10 रेपिटेशन टोटल, लेकिन आपको 200 मीटर की 5 रेपिटेशन लगानी है, ठीक है। उसका जो रेस्ट ऑफ टाइम रहेगा बीच में, जैसे कि 200 मीटर की इंटरवल ट्रेनिंग कैसे करेंगे आप, जैसे यहां से 200 मीटर स्टार्ट किए, ठीक है, यहां कंप्लीट हुआ, तो यहां पे खड़ा होकर 15 सेकंड या 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर यहीं पे खड़ा होकर फिर यहां से कंटिन्यू स्टार्ट करना है, ठीक है, फिर यहां पे 10 से 15 सेकंड रेस्ट, फिर यहां से कंटिन्यू, फिर यहां 10 से 15 सेकंड रेस्ट, फिर यहां कंटिन्यू। इस तरह से आपको 5 रिपीटेशन पूरा करना है 200 मीटर की, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ टाइम कितना रहेगा, 15 से 20 सेकंड, और 200 मीटर की टाइमिंग कितनी आनी चाहिए, 28 सेकंड के आसपास आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे आप जितना डाउन ला सकते हैं, ठीक है। 80-90% एफर्ट के साथ आपको ये करना है। फिर उसके बाद जब 200 मीटर की 5 रिपीटेशन आपकी इस तरह कंटिन्यू में कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको रिकवरी कितने मिनट के लेनी है, 5 से 8 मिनट, मतलब फुल रिकवरी ले सकते हैं। हो सके इतना देर में आपका अगर थकान लग रहा है तो और भी आप ज़्यादा रिकवरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। फिर आपको सेम उसी तरह 200 मीटर की 5 रिपीटेशन फिर स्टार्ट करनी है, 5 से 8 मिनट रिकवरी के बाद, फिर आपको सेम उसी तरह करना है, यहाँ 15 सेकंड 20 सेकंड 15 सेकंड, फिर यहाँ ऐसे रेस्ट 15 से 20 सेकंड, इसी तरह कंटिन्यूस पे आपको चलते रहना है, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छे तरह से कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, बस। इवनिंग में आते हैं हम लोग, इवनिंग में आपको क्या करना है, 10 मिनट आपको वार्म अप करना है एक अच्छा पेस में, ठीक है। उसके बाद जो चिनअप आर्मी में होता है, क्या मैं स्पेशली जो बना रहा हूँ ये इंडियन आर्मी के लिए ही 1600 मीटर का रेस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आर्मी में जब फिजिकल जाएगा तो वहाँ चिनअप बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं सब चीज़ लेकर चलता हूँ। तो चिनअप की एक्सरसाइज करनी है आपको, ताकि आप बीम में नहीं छटाएं, रेस निकालें और बीम में ना छटाएं। तो चिनअप की जो एक्सरसाइज मैं वीडियो बनाया हूँ यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा, वो देखें, और साथ में उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और अच्छे तरह घर जाएं। वेडनेसडे को मॉर्निंग में आपको क्या करना है, 1000 मीटर के 3 रिपीटेशन लगानी है, मतलब 1 किलोमीटर के 3 रिपीटेशन लगानी है, और उसकी टाइमिंग क्या आएगी, 3 मिनट,
ठीक है, इससे आप कम भी ला सकते हैं। देखिए हर एक जो भी धावक होते हैं उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी होते हैं, कोई 3 मिनट में कवर करेंगे, जो 80% 90% एफर्ट लगाएंगे तो उनका 3 मिनट में कवर होगा, या फिर कोई इतना एफर्ट लगाएंगे तो उसका 2 मिनट 40 सेकंड में भी कवर हो सकता है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप टाइमिंग ले सकते हैं, लेकिन आपको एफर्ट इतना लगाना है, इसलिए मैं एफर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1000 मीटर का आपकी टाइमिंग क्या होना चाहिए, 3 मिनट। इसके बाद जब आपकी 1000 मीटर कंप्लीट होती है तो उसके बीच में आपको रिकवरी लेनी है 8 से 10 मिनट की। ठीक है, देखिए स्पीड वर्कआउट है इसीलिए आपको रिकवरी ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है बॉडी का। अगर आप रिकवरी सही मात्रा में नहीं लीजिएगा तो क्या होगा, आपकी मसल वगैरह क्रैम्प हो सकती है, पेन वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए रिकवरी पूरा ले, फुल रिकवरी, जब तक आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स नहीं हो जाए, आप प्रिपरेशन हाँ रेडी ना हो जाए कि मैं अब ये फिर से लगा सकता हूँ 1000 मीटर, तब तक आपको वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना है, या फिर आप पल्स रेट के हिसाब से आप रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इवनिंग में आपको क्या करना है, इवनिंग में आपकी रेस्ट रहेगी, पूरा रिकवरी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो सके तो ग्राउंड जाके कर लीजिए बस। थर्सडे को सुबह हमें क्या करना है, इंडोरेंस वर्क पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 8 किलोमीटर की पेस रनिंग करनी है। ठीक है, पेस रनिंग क्या होता है आपको समझाता हूं कि इसमें क्या रहेगा, 8 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। ठीक है, लेकिन हर एक किलोमीटर आपको 4 मिनट में कवर करनी है, इसी को पेस रनिंग कहते हैं, मतलब एक पेस में हमें रनिंग करना। अगर आप हो सके तो पहला किलोमीटर 4 मिनट में किए और अगला किलोमीटर कुछ 3 मिनट 58 सेकंड या 59 सेकंड इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब घटा भी सकते हैं, मिनी सेकंड सेकंड में आप घटा भी सकते हैं टाइमिंग को। लेकिन हाँ, इस तरह नहीं होना चाहिए कि जैसे कि 1 किलोमीटर पहला हम लगा दिए 4 मिनट में और दूसरा किलोमीटर गए तो 5 मिनट, तो फिर आपका समझ लीजिए आपके अंदर इंडोरेंस बिल्डअप नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको 8 किलोमीटर की पेस रनिंग करनी है, हर 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट में कवर करनी है, और इसी तरह से आपको कंटिन्यू 8 किलोमीटर कवर करनी है। 32 टोटल 32 मिनट लगना चाहिए अगर आप 4 मिनट के हिसाब से ले के चलते हैं। ठीक है, और फिर आप आते हैं इवनिंग में, इवनिंग में आपको सेम उसी तरह वार्म अप करना है 10 से 10 मिनट का, और जो कोर वर्कआउट है कोर एक्सरसाइज करें। कोर वर्कआउट इसलिए करते हैं क्योंकि होता है ना, जैसे रनिंग करते हैं पेट भर जाता है, पेट दर्द करने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कोर वर्कआउट पे हम फोकस करते हैं ताकि हमारी रनिंग अच्छी हो और हमारी टाइमिंग भी घटे। फ्राइडे को सुबह हमें क्या करना है, हम करेंगे फाटलेग ट्रेनिंग, मतलब स्लो फास्ट, इसे स्पीड प्ले भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे करना है स्लो फास्ट ट्रेनिंग, अगर आपको मालूम नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या चेंजेस लाया हूँ कि जैसे होते हैं ना कि बहुत सारे यूट्यूब में देखिएगा, वो आपको बोलेंगे स्ट्रेट में फास्ट करना है और यहाँ पे स्लो करना है, तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगा कि नहीं है, मैं जैसे करता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये कर्व में फास्ट लगाता हूँ और ये स्ट्रेट में स्लो लगाता हूँ। क्योंकि देखिए स्ट्रेट तो हर कोई अच्छा दौड़ लगा, चाहे वो नया धावक रहे या पुराना धावक रहे, अच्छे दौड़ लेंगे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या चीज़ में आती है, कर्व में। तो एक तरह से समझिए ये आपकी कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें कैसे करना है कि आपको कर्व में फास्ट दौड़ना है और स्ट्रेट स्लो, फिर कर्व फास्ट स्ट्रेट स्लो, इससे आपकी कर्व स्ट्रॉन्ग होगी। क्या होता है जब आर्मी की रेस स्टार्ट होती है तो वो कर्व से ही होती है, और जो बंदे के अंदर कैपेसिटी रह गई 200 मीटर एकदम खींचने का तगड़ा, तो उसकी रेस 100% निकलेगी। अगर मैं होगा तो जल्द वीडियो लाऊंगा कि 400 1600 मीटर कैसे दौड़ना है ग्राउंड पे। ठीक है, तो आपको स्लो फास्ट ट्रेनिंग करना है 10 मिनट की, उसके 2 सेट लगाने हैं, एफर्ट 80 से 90% एफर्ट रहेगा। और जब आपकी 10 मिनट की एक सेट कंप्लीट होती है तो उसके बीच में आपको 8 मिनट का रेस्ट लेना है, फुल रिकवरी लीजिए, और हो सके तो पल्स रेट के हिसाब से भी आप रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको दूसरे सेट की ओर जाना है, मतलब 10 मिनट की ओर। ठीक है, तो आते हैं इवनिंग, इवनिंग में आपको 15 मिनट रनिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी चेस्ट वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट इसलिए क्योंकि आर्मी जब फिजिकल होता है तो उसमें चेस्ट नापा जाता है। ठीक है, तो हो सकेगा मैं जल्द वीडियो लाऊंगा चेस्ट के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है चेस्ट को नापा जाता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि क्लियर हो आपकी फिजिकल, इसीलिए चेस्ट का वर्कआउट करना है। बंदे लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर सिटअप कब करें, चेस्ट वर्कआउट कब करें, स्टेप इंक्रीज कब करें, ये वर्कआउट में मैं सारा बताऊं भाई, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा देखिएगा। फिर आपको चिन अप एक्सरसाइज करना है, क्योंकि फिजिकल में 10 चिन अप बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मतलब बीम। सैटरडे को सुबह हमें क्या करना है, 400 मीटर के 5 रिपीटेशन लगानी है। ठीक है, जिसकी टाइमिंग 1:05 या 1:10 आनी चाहिए, और जिसका इसका बीच में टाइमिंग नहीं आ रहा है, मतलब 1:10 से ज़्यादा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हम 80% 90% एफर्ट लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 80% से 85% एफर्ट लगना चाहिए जब आप वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग 1:05 1:10 के आसपास आप घुसाने का कोशिश करें तो बेस्ट रहेगा। और इसके बीच में आपको रेस्ट कितना लेना है, जैसे 400 मीटर की 1 रिपीटेशन लगाएं तो उसके बीच में आपको रेस्ट लेना है
कम से कम 8 से 10 मिनट की रेस्ट, ठीक है, आप पूरा फुल रिकवर हो जाइए तब आप दूसरे रिपीटेशन की ओर जाइए, क्योंकि हम यहाँ स्पीड वर्कआउट कर रहे हैं, इंडोरेंस नहीं। इंडोरेंस में क्या होता है, हम कम रेस्ट लेते हैं और रिपीटेशन करते रहते हैं, ठीक है, तो आपको ये करना है। इसके बाद हम लोग इवनिंग में आते हैं, इवनिंग में आपको 10 मिनट रनिंग करनी है। और बहुत सारे बंदे के रहते हैं क्वेश्चन कि हम स्टेप इंक्रीज एक्सरसाइज कब करें, तो देखिए वर्कआउट पे आ गया है, आप यहाँ पे स्टेप इंक्रीज एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर ABC भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप दोनों में कोई एक चूज कर लें, जिसकी स्टेप अच्छी है तो वो ABC एक्सरसाइज करें, ठीक है। ABC एक्सरसाइज में आपको थोड़ा स्पीड से करना है, ठीक है, थोड़ा स्लो टाइप का नहीं करना है, स्पीड में करना, 5-6 एक्सरसाइज। मतलब संडे को आपको एक्टिव रेस्ट लेना है, ठीक है, तो एक्टिव रेस्ट में आपको क्या करना है, ग्राउंड जाइए, आराम से 5-10 मिनट हल्की फुल्की रनिंग कर लीजिए, उसके बाद जो आपकी बॉडी की प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आराम से कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाइए और कुछ नीचे बिछा लीजिए और योगा में भिड़ जाइए, योगा कीजिए जैसे अलोम विलोम, कपाल भारती, इससे क्या होगा, जो होती है ना जैसे रनिंग लेते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, तो आपकी ये योगा अगर आप करते हैं, ये सब जो 2-3 में बताया, अगर आप ये करते हैं तो आपकी सांस फूलने की प्रॉब्लम दूर होगी। उसके बाद जब आपकी ये सब हो जाती है तो लास्ट में आप मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में क्या करना है कि आपको आंख बंद कर लेना है और ध्यान में जाना है, जहां भी आपकी बॉडी में पेन है उसके बारे में सोचिए कि लगे कि मेरा बॉडी का पेन वगैरह दूर हो रहा है, ठीक है, तो लास्टली आपको मेडिटेशन करना है। उससे क्या होता है, जैसे कि हम पूरा वर्कआउट करते हैं एक हफ्ते में, तो क्या होता है हमारे माइंड में भी एक तरह से होती है ना कि लोड से आने लगती है, हम थोड़ा परेशान हो लेते हैं, मेंटलिटी हम लोग कमज़ोर होने लगते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो भी थकान है बॉडी की या माइंड की, जो दिमागी तौर से बोलते हैं ना थक जाते हैं, वो सारा दूर हो जाएगा। इसीलिए आप, मैं ज़रूर कहूँगा आप मेडिटेशन करें, हो सके तो आप जब आपका वर्कआउट डेली कंप्लीट होता है उसके बाद आप मेडिटेशन या योगा वगैरह, कपाल भारती वगैरह कर सकते हैं, जिससे क्या होगी आपकी बॉडी की थकान दूर होगी। और यही कहूँगा कि स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कूल डाउन, ये सब पे फोकस जरूर करें, आपको ये सब करना ही है, डेली करना है, ठीक है। और उसके बाद मालिश क्या कीजिए, हो सके तो पार्टनर मालिश कीजिए अल्टरनेट डे में, जिस दिन आपका वर्कआउट हार्ड है उस दिन पार्टनर के साथ मालिश कीजिए तेल लगा के, ठीक है। और डाइट वगैरह अच्छे रखिए, बैलेंस डाइट फूड लीजिए, कोई जरूरी नहीं है सप्लीमेंट या प्रोटीन वगैरह लेने का, जैसे कि बोलेंगे ना कि लास्ट का टाइम आ रहा है कुछ सुई ले लो ये ले लो, भाई कुछ नहीं है, सब दिमागी तौर पर खेल है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कोई सप्लीमेंट वगैरह यूज ना करें, और आप ये वर्कआउट को फॉलो करके देखें जो मैं बताया हूँ, मात्र आपकी जो भी रेस, मतलब आपकी टाइमिंग नहीं टूट रही है, तो स्पीड वर्कआउट करने से 100% टाइमिंग टूटती है। तो यही था वर्कआउट शेड्यूल जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर करना, ताकि जो भी आपके ग्रुप के बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मदद मिल सके, ठीक है। तो मैं स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए ही वीडियो बनाता हूं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।